रियर में आपको पावर विंडोज नहीं मिलेंगी, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और इस वीडियो में मैं आपको Hyundai Venue के बेस मॉडल में जो सारे फीचर्स मिलते हैं वो बताऊंगा और जो सारे फीचर्स नहीं मिलते वो बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेस मॉडल आता किस किस में है। तो Hyundai Venue आपको दो पेट्रोल वेरिएंट्स में मिलती है, एक है 1200 सीसी का, एक है 1000 सीसी का। 1000 सीसी में आपको बेस मॉडल नहीं मिलता, तो ये सारे फीचर्स आपको 1200 सीसी वाले मॉडल में मिलेंगे। और डीजल का जो इकलौता इंजन है 1400 सीसी का, ये आपको बेस वेरिएंट उसमें मिलता है। तो बेसिकली पेट्रोल का 1200 सीसी का और डीजल का 1400 सीसी के इंजन में आपको सारे फीचर्स बताऊंगा कौन से मिलेंगे और कौन से नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइस की बात कर लेता हूं ताकि आपको एक जस्टिफिकेशन से मिल जाए कि हाँ इस प्राइस में ये फीचर्स मिल रहे हैं या फीचर्स नहीं मिल रहे। तो अगर बेस पेट्रोल वेरिएंट की बात करी जाए तो दिल्ली में वो ऑन रोड है 7,42,301 रुपीज का, और वहीं पे डीजल इंजन की बात करी जाए तो वो दिल्ली में ऑन रोड है 8,93,294 रुपीज का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या नहीं मिलता। तो बेस वेरिएंट में आपको दो एयरबैग्स मिलते हैं, एबीएस मिलता है ईबीडी के साथ, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक मिलता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है ड्राइवर और पैसेंजर के लिए, हाई स्पीड अलर्ट मिलता है, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स मिलते हैं ड्राइवर और पैसेंजर के लिए, इंजन इमोबिलाइजर मिलता है और आइसोविक चाइल्ड सीट माउंट मिलते हैं। अब ये रही सेफ्टी की बात, कि सेफ्टी में आपको ये मिलता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटीरियर के बारे में। तो हेडलैम्प्स में आपको हेलोजन लैम्प्स ही मिलते हैं, और आपको बॉडी कलर बम्पर्स मिलते हैं, ब्लैक कलर बम्पर्स नहीं है। आउटसाइड जो डोर हैंडल्स हैं वो भी बॉडी कलर्ड हैं, ब्लैक कलर के नहीं है, और फुल व्हील कवर्स आपको मिलते हैं। अब इंटीरियर की बात करी जाए तो आपको बेस वेरिएंट में ब्लैक सिंगल टोन थीम मिलती है। जो सीट्स हैं वो फैब्रिक मिलेंगी, लेदर सीट्स नहीं मिलेंगी। और अंदर जो डोर हैंडल्स हैं उसमें आपको मेटल फिनिश मिलेगी, और जो सीट बैक पॉकेट होती है पैसेंजर साइड जो होती है वो आपको बेस वेरिएंट में मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट पैनल की, तो आपको इसमें टैकोमीटर मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता। सीटिंग की बात करें तो आपको इसमें फ्रंट सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और रियर सीट हेडरेस्ट आपको मिलते हैं बट वो एडजस्टेबल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इन्फोटेनमेंट सिस्टम की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो आपको बेस मॉडल में इन्फोटेनमेंट सिस्टम में कुछ भी नहीं मिलता, ना सिस्टम मिलता है ना ब्लूटूथ ना कुछ और, तो वो उसमें ऐड कर देंगे। कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात करी जाए तो आपको पावर विंडो सिर्फ फ्रंट में पावर विंडोज मिलती हैं, और एयर कंडीशनिंग आपको मैनुअल एयर कंडीशनिंग मिलती है फ्रंट में, और इको कोटिंग टेक्नोलॉजी है वो आपको मिलती है इसमें, मोटर ड्रिवन इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग मिलती है आपको। उसी के साथ आपको टिल्ट स्टेयरिंग का ऑप्शन भी मिलता है बेस मॉडल में, क्लच फुटरेस्ट, क्लच के साथ में जो फुटरेस्ट दिया होता है वो भी आपको इसमें मिलता है, फ्रंट पावर आउटलेट मिलता है आपको, फ्रंट वाइपर मिलेगा वो तो ऑब्वियस सा है, लेन चेंज इंडिकेटर वो भी आपको इसमें बेस मॉडल में मिलता है, बैटरी सेवर वो भी आपको बेस मॉडल में मिलता है। बाकी ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे, ये सब के स्टैंडर्ड ही है। टायर साइज की बात करी जाए तो बेस वेरिएंट में आपको 195/65 का 15 इंच का स्टील व्हील मिलता है, और जो स्पेयर व्हील है उसकी भी डायमेंशन सेम रहेंगी, वो भी 15 इंच का स्टील व्हील है। तो ये सारे फीचर्स थे जो कि आपको मिलते हैं। अब उन फीचर्स की बात करते हैं जो कि आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलते, और ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एयरबैग्स, साइड एयरबैग्स आपको नहीं मिलते। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको नहीं मिलता, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट आपको नहीं मिलता, हिल असिस्ट कंट्रोल आपको नहीं मिलता। ये सारे सेफ्टी फीचर्स की बात कर रहा हूं। आपको रियर पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स नहीं मिलते, और आपको ऑटोमेटिक हेडलैंप्स नहीं मिलते, हेडलैंप एस्कॉर्ट फंक्शन नहीं मिलता, कीलेस एंट्री नहीं मिलती आपको इसमें, रियर डीफॉगर नहीं मिलता, उसके बाद बर्गलर अलार्म जब गाड़ी चोरी करने की कोशिश करता है वो फीचर भी आपको इसमें नहीं मिलता। हेडलैंप्स में आपको प्रोजेक्टर हेडलैंप्स नहीं मिलेंगे, कॉर्निंग लैंप्स नहीं मिलेंगे, एलईडी डीआरएल्स आपको नहीं मिलेंगे, एलईडी टेल लैंप्स विद क्रिस्टल इफेक्ट ये भी आपको नहीं मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर में हेडलैंप्स में आपको प्रोजेक्टर हेडलैंप्स नहीं मिलेंगे, कॉर्निंग लैंप्स नहीं मिलेंगे, एलईडी डीआरएल्स नहीं मिलेंगे, एलईडी टेल लैंप्स विद क्रिस्टल इफेक्ट नहीं मिलेगा, जो बैक साइड में एलईडी टेल लैंप्स में जो इफेक्ट दे रखा है, और डार्क क्रोम फ्रंट ग्रिल आपको नहीं मिलेगी। उसी के साथ आपको आउटसाइड डोर मिरर्स जो हैं वो बॉडी कलर नहीं होंगे, क्रोम फिनिश आउटसाइड डोर हैंडल्स, बाहर के डोर हैंडल्स पे आपको क्रोम फिनिशिंग नहीं मिलेगी, स्पोर्टी रूफ रेल्स भी आपको नहीं मिलेंगी, टर्न इंडिकेटर्स ऑन आउटसाइड मिरर्स वो भी आपको नहीं मिलने वाले, डायमंड कट अलॉय व्हील्स वो भी ऑब्वियसली नहीं मिलने वाले, रूफ एंटीना जो होगा ना ही वो माइक्रो है ना ही वो शार्क फिन एंटीना है, नॉर्मल एंटीना दिया जाएगा। उस इंटीरियर की बात करें तो खाकी डुअल टोन थीम आपको बेस मॉडल में नहीं मिलती, डेनिम डुअल टोन थीम आपको बेस मॉडल में नहीं मिलती।
उसी के साथ जो स्टेयरिंग व्हील, गियर नॉब, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और डोर आर्मरेस्ट है वो लेदर रैप्ड नहीं होंगे। इसके बाद बात करते हैं सीटिंग की, तो हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं होगी और जो रियर हेडरेस्ट हैं वो जैसे कि मैंने आपको बताया हेडरेस्ट मिलेंगे बट वो एडजस्टेबल नहीं होंगे और 60-40 स्प्लिट रियर सीट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करी जाए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं मिलेगा, Hyundai BlueLink ऐप नहीं मिलेगी, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, फ्रंट ट्विटर्स, ब्लूटूथ अलार्म, ओके स्टेयरिंग व्हील विद ऑडियो एंड ब्लूटूथ कंट्रोल, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, Hyundai iBlue जिसके लिए फेमस है वो भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात करते हैं तो आपको सनरूफ नहीं मिलेगी, पुश बटन स्टार्ट नहीं मिलेगा, रियर में आपको पावर विंडोज नहीं मिलेंगी, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप एंड डाउन विद सेफ्टी ये भी आपको नहीं मिलेगा, ड्राइवर साइड पावर विंडो स्विच इल्यूमिनेशन ये भी आपको नहीं मिलेगा और एयर कंडीशनिंग, ओके जो डिजिटल डिस्प्ले है अंदर एक एयर कंडीशनिंग का कि क्या टेम्परेचर है वो आपको डिजिटल डिस्प्ले नहीं मिलेगा। उसके बाद जो आउटसाइड मिरर्स हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं होंगे, ना ही इलेक्ट्रिक फोल्डिंग होगी उनमें। फिर आपको रियर एसी वेंट्स भी नहीं मिलेंगे, एयर प्यूरिफायर नहीं मिलेगा, वायरलेस फोन चार्जिंग नहीं मिलेगी, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर नहीं मिलेगा, ग्लव बॉक्स कूलिंग नहीं मिलेगी और क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज नहीं मिलेगा, स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर जब हम जो धूप के लिए नीचे करते हैं वो वहां पर एक शीशा लगा होता है वो आपको शीशा नहीं मिलेगा और यूएसबी चार्जिंग नहीं मिलेगी। उसी के साथ आपको रियर पावर आउटलेट नहीं मिलेगा, फ्रंट मैप लैंप्स नहीं मिलेंगे और रियर वाइपर एंड वॉशर नहीं मिलेगा, रियर पार्सल ट्रे, लगेज लैंप ये दोनों नहीं मिलेंगे ये। और यही सारे वो फीचर्स थे जो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेंगे। बेस मॉडल पैसों के हिसाब से ठीक है कि अगर आप कोई और गाड़ी लेने जा रहे हैं और आपको 7.5 लाख रुपए में थोड़ा सा फीचर्स में आप अगर एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि दूसरी गाड़ी आपको 7.5 लाख में मिलेगी, थोड़े से फीचर्स ज्यादा होंगे पर उसमें छोटा सेगमेंट आएगा, थोड़ा नेक्सॉन वेक्सॉन इन सब की हम बात नहीं कर सकते, छोटे सेगमेंट की गाड़ियों की बात कर सकते हैं, तो उसके कंपेरिजन में 7.5 लाख रुपए में इतने फीचर्स ऑसम है। बाकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इसके अगला मॉडल जो कि एस मॉडल है उसके फीचर्स बताऊंगा और एक्चुअल में वो मॉडल, इसमें अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो एक्चुअल में वो मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल है, वर्थ द प्राइस है, 8 लाख से ऊपर है वो, 8,20,000 रुपए का कुछ पड़ता है वो और उसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं जो कि नेसेसरी हैं, सनरूफ वनरूफ ऐसे प्रीमियम फीचर्स नहीं मिलेंगे बट अच्छे वाले जो फीचर्स हैं वो आपको सारे एस मॉडल मिलेंगे। एक और वीडियो बनाएंगे हम उसमें एस मॉडल में जो आपको सब कुछ मिलता है वो सारे फीचर्स बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो आपको कुछ जाएगा भी नहीं एंड मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जयराम जी की।